तो हाल ही में हमने क्रिस्टियानो रोनाल्डो के रिगार्डिंग बात की थी, जहां पर वो टॉप 5 की लिस्ट में दो बार मेंशन किए थे, जहां पर उन्होंने रियल मैड्रिड में रहकर 100 गोल स्कोर किए थे सिर्फ 105 गेम्स में। तो क्या एक्चुअली में रिकॉर्ड तोड़ा जा सकता है, और अगर तोड़ा जा सकता है तो कौन है वो प्राइम कैंडिडेट? अब इस समय वर्ल्ड फुटबॉल में अगर थोड़ी सी नजरें दौड़ाए ना, तो सिर्फ एक ही प्लेयर है जिसका स्ट्राइक रेट एक्चुअली में सबसे ज्यादा एस्टॉनिशिंग है, और वो कोई और नहीं बल्कि अर्लिंग ब्रॉथ हालैंड है। और हालैंड के लिए हमको सिर्फ मैनचेस्टर सिटी के नहीं, अगर उनके डॉर्टमुंड के स्टैट्स भी देखे ना, वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। यहां पर उन्होंने 86 गोल स्कोर किए 89 गेम्स में, और यहां पर थोड़ा मैथ की कैलकुलेशन दौड़ाए ना, तो वो जब तक डॉर्टमुंड में 100 गोल स्कोर करते वो लगभग 103 या 104 गेम में, जो कि एक्चुअली में रोनाल्डो का रिकॉर्ड तोड़ देता है। और एक्चुअली में अगर हम मैनचेस्टर सिटी के गोल्स की बात करें, तो यहां पर उन्होंने 29 गेम में 31 गेम ऑलरेडी स्कोर कर दिए, और यहां पर जब वो अपना सिटी का 100वां गोल स्कोर कर रहे होंगे, तो कैलकुलेशन के हिसाब से सिर्फ 93rd गेम होगा वो अर्लिंग हालैंड का। वैसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि एम्बापे ने पीएसजी में अपना 100वां गोल 137वें गेम में स्कोर